गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड चैनल में। दोस्तों जी, मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड पेपर संबंधित है। आप सभी को पता है कि 16 फरवरी को पेपर हुआ था, जो कि लीक के प्रमाण काफ़ी ज़्यादा सभी के सामने आ चुके हैं। उससे संबंधित दोस्तों एक आरोपी की जमानत याचिका दोस्तों खारिज कर दिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों याचिका डाली गई थी, उसके बाद उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। क्या कुछ दोस्तों पूरा मामला वीडियो के साथ आपको बने रहना है, अंत तक देखना है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पौड़ी की दोस्तों मैं आपको बताऊँ, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई है। आरोपी ने दोस्तों जिला सत्र न्यायालय, मैंने आपको बताया दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने दायर की थी। अदालत ने भर्ती के आरोपी की याचिका सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यानी दोस्तों मैं बताऊं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें जमानत चाहिए, उसके बाद उनकी जमानत याचिका कर दी हमारे जिला सत्र जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उन्होंने रद्द। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल कराए जाने के मामले में विगत 17 फरवरी को, दोस्तों 17 फरवरी को मैं बताऊँ, कोतवाली पौड़ी गढ़वाल और आपका कोतवाली यहाँ रुड़की में भी दोस्तों मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच होने के बाद दोस्तों चार आरोपी को 19 मार्च को दोस्तों गैंगस्टर, कौन सा दोस्तों, गैंगस्टर एक्ट के तहत, ये गैंगस्टर एक्ट होता है काफ़ी बड़े सरगने का जो मुहैया होता है उसके तहत लगता है। ठीक है, एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें दोस्तों दो व्यक्ति जेल में बंद है। कौन कौन से व्यक्ति मैं आपको बता देता हूँ, नंबर एक आपका दोस्तों कुलदीप राठी, वो दोस्तों है दोस्तों आपको सुधीर, ठीक है, सुधीर जो दोस्तों शायद कृषि अधिकारी है, ये जो सुधीर कृषि अधिकारी है ये भी आपका कृषि अधिकारी है, दोनों शायद कृषि डिपार्टमेंट में। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, दो आरोपी गिरफ्तार से बाहर है, यानी गिरफ्तार से बाहर है। मामले की जांच कोतवाल है जो हमारे श्रीनगर को सौंपी गई थी। और दोस्तों आपको बताओ इम्पोर्टेंट क्या है, जो जिला शासकीय अधिवक्ता है हमारा अवनीश नेगी जी ने बताया कि गुरुकुल नारसन थाना मंगलौर के कुलदीप राठी ने याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ठीक है, उन्होंने दोस्तों साथ के साथ एक चीज़ और बताई कि इससे पहले भी आपके थाना मंगलौर बुढ़पुर जट, कौन सा गाँव है, बुढ़पुर जट के थाना मंगलौर के सुधीर कुमार, मैंने आपको बताया सुधीर कुमार, इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, इनकी गिरफ्तारी भी पौड़ी गढ़वाल से हुई थी, जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के मैं बताऊँ, लगातार जो सरगने के जितने मुख्य आरोपी है जमानत की याचिका दायर कर रहे हैं कि जमानत हमारी हमें मिल जाए, लेकिन दोस्तों जमानत हमारे जो जिला न्यायाधीश है उनके माध्यम से नहीं दिलाई जा रही। लेकिन वह दोस्तों अभी उनके पास एक होर पैदा है, मैं क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ, हाई कोर्ट अभी वर्तमान समय में जैसा आपसे बताया कि कोरोना वायरस चल रहा है उसको देखते हुए बंद है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन्हें जो जमानत की याचिका है वो पूर्णतया खारिज हो चुकी है और दोस्तों जमानत इन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे ही भीतर रहेंगे क्योंकि दोस्तों छात्रों के साथ काफ़ी बड़ा खिलवाड़ किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों आपको आपकी जानकारी और दे दूँ, हमने उत्तराखंड का जो जीके है कम्प्लीटली आपको कराने का वादा कर रखा है, जिसकी दो वीडियो मैंने प्रोवाइड आपको करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के मामले में मामला बहुत ज़्यादा कसा हुआ है इस टाइम। ठीक है,